नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं ब्लूटूथ हेडफोन के बारे में कि ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करने चाहिए या नहीं, क्योंकि काफ़ी हम लोग मिथ सुनते हैं कि ब्लूटूथ हेडफोन की रेडिएशन अपने दिमाग पे असर डाल रही है। तो आज इस बात में थोड़ी चर्चा करते हैं कि ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करने चाहिए या नहीं। अभी ब्लूटूथ तो आप लोग सब यूज़ करते ही हो, काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से मोबाइलों में आ रहा है। पहले हम लोग एक दूसरे मोबाइल में गाना डालने के लिए यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ब्लूटूथ स्पीकर आए, ब्लूटूथ हेडफोन आए, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्लूटूथ पे काम कर रही हैं। अभी बात करें तो ब्लूटूथ एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है जो कि काफ़ी चीज़ों में पाई जाती है, जो कि मोबाइल के टावर, वाईफाई टावर, ये सब सी चीज़ें रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती हैं। अभी बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन देखी जाए तो दो प्रकार की रेडिएशन होती है, एक तो होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। अभी आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है उसके बारे में देखा जाए तो एक्सरे, गामा रेज जैसे कि न्यूक्लियर, ये सब रेज, अल्ट्रावायलेट, ये सब रेज नॉन आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जो कि हमारे लिए बहुत डेंजर होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। और दूसरी आ गई नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमारे काफ़ी प्रकार के एम्प्लाइजेज आती हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन, रेडियो, माइक्रोवेव्स और वाईफाई, ये सब नॉन आयोनाइजिंग में होते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी लो होती है, जो कि हमारी बॉडी में इतना इफेक्ट नहीं डाल रही। लेकिन आज भी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि नॉन आयोनाइजिंग रेज का साइड इफ़ेक्ट वगैरह, जो अभी तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी लैब, कोई भी डॉक्टर इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा कि ये हमारी बॉडी के लिए डेंजर है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं ब्लूटूथ रेडिएशन। अभी बात की जाए ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है, जो कि लो फ्रिक्वेंसी में काम करता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए कुछ खास असर नहीं डालती, लेकिन कोई भी रेडिएशन, कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन एक लिमिट टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे कि कोई हेडफोन आप आधा घंटा यूज़ किया, आफ्टर दैट उसको रख दीजिए, कभी ज़रूरत है तो यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर उसका बैटरी बैकअप 8 घंटा है तो आप कंटिन्यूस 8 घंटा यूज़ कर रहे हैं या उसको लगा के सो रहे हैं, तो वो डेंजर है। और सेकंड थिंग क्या है, बच्चों से थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए कोई भी रेडिएशन इतना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है उसके लिए। और बात करते हैं कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। अभी जितने भी लो क्वालिटी रेडिएशन यह हेडफोन है, ब्लूटूथ है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक तो आपके लिए कंफर्ट नहीं है, दूसरा साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, और सेकंड थिंग क्या है कि हाँ, अगर यूज़ करना ही है तो किसी अच्छी कंपनी का ले लो, जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देगा, एक आपको मालूम पड़ेगा कि ब्लूटूथ हेडफोन को साउंड क्वालिटी, बात करने के लिए हर चीज़ में बेटर होता है। अभी बात की जाए कि कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, तो मैं 2-3 हेडफोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, हो सके तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। सही है ना, यही बात है कि उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए।